बंधुओं बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे 2023 के अंदर जनवरी से लेके और दिसंबर 2023 तक वाहन खरीदने के लिए कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। चर्चा काफी विस्तार से हम प्रत्येक तिथि के हिसाब से करेंगे, यानी कौन कौन सी डेट है जिसमें हम गाड़ी खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीदने का जो मुहूर्त है, वाहन मुहूर्त के अंतर्गत जो आते हैं उसमें कोई भी गाड़ी हो, मान लो आप टू व्हीलर ले रहे हैं, फोर व्हीलर ले रहे हैं, ट्रक ले रहे हैं, पर्सनल गाड़ी है, या फिर ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल चलते हैं उनको हम ले रहे हैं, या फिर जो किसान है ट्रैक्टर आदि ले रहे हैं, या फिर साइकिल है, ये सभी चीजें हम वाहन मुहूर्त के मुहूर्तों में खरीद सकते हैं। अब यहां पर मैं प्रत्येक महीने के जो तारीख है पंचांग से ही मैं आपको यहाँ पर जो परिशोधित मुहूर्त है वो यहाँ पर आपको बताऊंगा, लेकिन एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम गूगल पे या हम सर्च करते हैं और उसमें कई सारी डेट आती हैं, लेकिन कई बार तो वो डेट होते ही नहीं है, और कई बार होते हैं तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो हमारे लिए भी उपयुक्त है या नहीं है। उसको कैसे समझना है उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि मान लो 1 जनवरी को वाहन खरीदने का मुहूर्त है, अच्छा मुहूर्त है, आपको पता है, आपको उसके नक्षत्र के भी मुहूर्तों की जानकारी है और सब चीज पता है, मुहूर्त उस दिन बन रहा है, लेकिन वो आपके हिसाब से मुहूर्त है या नहीं है उसको कैसे जांचना है, एक बार उसका थोड़ा सा मैं नियम आपको समझा देता हूं। आपका मान लो जो मेष राशि आपकी बनती है, आपने एक चार्ट बनाया मेष राशि के हिसाब से, और उसके गोचर में उस दिन मान लो चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है, तो उदाहरण के इस मुहूर्त में आपकी राशि से, मान लो मेष राशि आपके और वृश्चिक पे चंद्रमा है, तो आपकी राशि से अष्टम चंद्रमा हो जाएंगे, जिसके कारण से आपकी राशि के हिसाब से मुहूर्त अच्छा नहीं है, जबकि उस दिन मुहूर्त तो अच्छा है। समझ गए ना, बहुत ध्यान समझना, मुहूर्त अच्छा है लेकिन आपकी राशि पर प्रतिकूल चंद्रमा होने से वो आपके लिए अच्छा नहीं है। राशिफल निकालने का भी यही विधा है कि मान लो आज हमारी राशि के लिए कैसा रहेगा, राशिफल भी इसी क्रम से निकलता है, तो इसलिए आपकी राशि पर उस दिन अनुकूल नहीं है मुहूर्त अच्छा होने के बावजूद भी। एक और चीज यहां पर ध्यान रखनी है, मान लो मुहूर्त भी अच्छा है, आपकी राशि से मुहूर्त भी बन रहा है, लेकिन आपने जो लग्न समय तय किया गाड़ी निकालने के लिए वो लग्न सही नहीं था, तब भी जो है वाहन का शुभ मुहूर्त में निकालने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब गाड़ी वाले जो मामले हैं उसमें बड़ा कई समस्याएं होती है उसमें, मान लो अब गाड़ी बुक करा दी, अब जिस दिन मुहूर्त था उस दिन गाड़ी ही नहीं निकली, गाड़ी पहुंची नहीं, या फिर गाड़ी वहां से निकाल कर लिया है, अब हम पूजा कहीं और करवाना चाहते थे, हम कहीं और पहुंच गए, वहां पर नहीं पहुंच पाए, नहीं हो पा रहा है, तो मुहूर्त किस चीज के लिए निकालना है? मुहूर्त होता है डिलीवरी के, ठीक है ना, जिस दिन गाड़ी की डिलीवरी होगी। अब पूजन का एक अलग से समय फिर आप तय कर सकते हैं कि अब हम पूजन किस दिन करेंगे या किस टाइम करेंगे, वह भी इसमें देखने वाली बात है। और बाकी बुक कराने के लिए आप विचार कर सकते हैं, बहुत आवश्यक नहीं है बुक कराने के लिए, आप उसके लिए विचार कर सकते हैं कि हमें कोई अच्छा दिन हो जिस दिन हम वाहन बुक करें, लेकिन उसके लिए कोई बहुत ज्यादा मुहूर्त की आवश्यकता, इसलिए जब निकाल रहे हैं उस दिन का लग्न और अपनी राशि के हिसाब से चंद्रमा अनुकूलता, दो चीज यहां पर देख लेनी चाहिए। अब हम फटाफट यहां पर बात कर लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जनवरी 2023 के अंदर वाहन खरीदने के लिए 1 जनवरी, फिर 4 जनवरी, फिर 8 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी और 27 जनवरी को वाहन खरीदने का मुहूर्त बन रहा है। जैसे कि मैंने फिर आपको बता दूं, आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें टोटल कोई भी किसी प्रकार के व्हीकल्स हैं वो आप इसमें खरीद सकते हैं। फरवरी माह के अंदर 2023 में 3 फरवरी, 10 फरवरी, 15 और 24 फरवरी को, 15 फरवरी और फिर 24 फरवरी को वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। इसके अतिरिक्त तो भी आप कई बार इमरजेंसी में या फिर उस दिन गाड़ी ना आ पाए तो औपलिक व्यवस्था में सेकेंड बेस्ट मुहूर्त का भी प्रावधान होता है, आप उस हिसाब से उसका विचार कर सकते हैं या उसकी सलाह लेकर किसी से आप जो है उन वाहन को उस मुहूर्तों में भी खरीद सकते हैं।
मार्च 2023 के अंदर अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आप 9 मार्च और 12 मार्च को वाहन खरीद सकते हैं, जो पंचांग ने यहां पर शोधित मुहूर्तों में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल मार्च वाहन के लिए। मार्च के अंदर हाँ, ये नया पंचांग स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें 23 मार्च और 24 और 26 मार्च और 31 मार्च तक मुहूर्त है, समझ गए, 31 मार्च तक यहां पर मुहूर्त जो है 2023 में। अब अप्रैल में यहां पर किसी प्रकार का कोई मुहूर्त वाहन खरीदने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे मुहूर्त बनेंगे नहीं बनेंगे, उस पर हम फिर आगे स्वतंत्र रूप से विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी ना हो क्योंकि यहां दिसंबर तक के मुहूर्त बताना है, इसलिए उसका भी ध्यान रखना है। तो अप्रैल में नहीं है, मई की बात कर लेते हैं। मई में 3 मई को, फिर 7 मई को, फिर 21 मई को, 22 मई और 24 मई वाहन खरीदने के लिए यहां पर शुभ डेट है। अब बात कर लेते हैं जून की। जून माह में यहां पर 12 जून, फिर 21 जून, फिर 28 जून, बहुत कम मुहूर्त है जून के महीने में, तो यहां पर आप 3 तिथियां मात्र दी हैं, 8 जून, 12 जून और 21 जून। तो इस तिथियों के अंदर आप वाहन निकाल सकते हैं। मैंने फिर जैसे आपको कहा कि सेकंड बेस्ट के तौर पर आप मुहूर्तों का चयन कर सकते हैं, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है जुलाई 2023, जुलाई में 5 जुलाई, 7 जुलाई, 21 जुलाई और 31 जुलाई तक जो है आप वाहन खरीद सकते हैं, ये यहां पर जो है परिशोधित मुहूर्त है। सेकंड बेस्ट के तौर पर आप अन्य मुहूर्तों का विचार किया जा सकता है, उसको पढ़ सकते हैं। सितंबर के महीने में यहां पर 6 सितंबर, 10 सितंबर, 18 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर और 25 सितंबर और 27 सितंबर तक यहां पर जो सितंबर के महीने मुहूर्त। अक्टूबर की बात करें तो 19 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, मात्र 3 डेट यहां पर अक्टूबर में दिया गया। नवंबर में फिर किसी प्रकार नवंबर में फिर 29 के बाद कोई यहां पर तिथि नहीं है। दिसंबर की बात कर लेते हैं, इसमें 1 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर और 29 दिसंबर पुष्य नक्षत्र का संयोग है, वाहन खरीदने के बहुत अच्छा इसको माना गया है। तो 29 दिसंबर तक जो है 2023 के अंदर मुहूर्त बन रहे हैं। मुहूर्त के लिए क्या क्या मुख्य चीजें हैं उसका विचार हमें कैसे करना है वह भी मैं आपको बता चुका हूं। लग्न परिशोधित की बात है वह भी मैं आपको बता चुका हूं। और फिर हमें गाड़ी खरीदने के लिए या बुक करने के लिए या पूजन के लिए किस चीज के लिए हमें मुहूर्त आवश्यक होता है वह भी आपको मैं बता चुका हूं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके काफी काम की रही होगी। नए दर्शक हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।